सबसे पहले तो मैं वार्ड के रहीवासियों को गणपति की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूँगा। ये त्यौहार सबके लिए शुभ हो और कामयाबी का प्रतीक बने, सब लोग खुशहाल रहें, खुशहाल जिंदगी। बापा से यही मनोकामना रहेगी कि लोगों की जिंदगी खुशहाल हो, उनके लिए अच्छे संकेत हो, आने वाला वर्ष मोदी मुक्त हो, भी भाजपा मुक्त हो और लोगों के लिए अच्छा संदेश, अच्छे काम, शुभकामनाएं रहेगी। 25-30 सालों से मतलब देखा जाए तो ये बचपन से कांग्रेसी हैं और कांग्रेस से कई बार ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे और इन्होंने कांग्रेस के लिए मतलब बहुत सारी काम किए हैं, लेकिन आज इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। कितने सालों से मेहनत करने के बाद अभी अहमद बताए भाई बताइए, आप 140 से चुनाव लड़ने की तैयारी करें तो मतलब लोगों में क्या जा रहा है आपका? 20 साल से युद्ध के अध्यक्ष रहे हम यहाँ से ब्लॉक नंबर 70 से, और यहाँ पे लोगों की बहुत समस्याएं हैं। हमने यहाँ से जैसे पीछे कई बार जब भी मौका मिला यहाँ पे तो आरक्षण में सीट चली गई, अब शायद ओपन हो जावे, हम लोगों को इस बार मौका मिले, पार्टी मौका दे दे, हम लोगों के लिए बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। कई मसले हैं यहाँ पे लोगों के, हम कोशिश करेंगे और सब मसले हम हल कर सकें। एक सलाह मैं दिया आपका, और ज्यादातर रेलवे का पट्टा जा रहा है और इसमें कई लोग बेघर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या मुद्दा उठाएंगे? रेलवे में जो भी जाएगा तो उसका तो सर्वे होगा, उनको उसका रिहैबिलिटेशन होगा उसका, और पहले भी एक बार रेलवे में जा चुका है कई लोग, हमारे यहाँ के मतदाता यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, तो अभी भी अगर रेलवे अगर एक्वायर करेगी तो सर्वे करेगी, उसका लीगल तरीके जगह देगी, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगा। हाँ, यहाँ के मतदाता कुछ कम हो जाएंगे। अभी देखा जाए तो पिछले साल से आप कांग्रेस में हैं, अभी कांग्रेस की पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ के लोग आपको नगर सेवक बनाएंगे? हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर कोई बोलता है लड़िए आप, हम लोग आप जैसा नेतृत्व चाहिए। अभी हमारे आगे का नेतृत्व कुछ बराबर से सेटल नहीं है, आगे वाले लोग बम्बई चुनाव आ रहा है कुछ, खैर सपरा जी और भाई जगताप जी ये जो अभी जिम्मेदारी इनके हाथों में आई है तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बम्बई का। पाटोले जी आए सोने पे सुहागा, महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष, अगले चीफ मिनिस्टर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं उनके आने से, इनके नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। लेकिन देखा जाए यहाँ पे सब यूपी और बिहार के और उज्जैन वाले लोग हैं, यहाँ पे राजू वर्मा भी नगर सेवक रह चुके, अभी नाजिया है रमेश कामले भी नगर सेवक रह चुके, इन लोगों के काम से आपको काम में क्या फर्क आ सकता है? ये लोगों ने जो भी काम किया, ये लोगों से लोगों को जो भी फायदा मिला होगा, हम तो मूल यहाँ के रहने वाले हैं, हम पैदा हुए हैं, हम उनसे अधिक उससे आगे जाके हम लोगों का काम करेंगे, हम नीचे की समस्याओं को हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ लोगों को ना प्लेग्राउंड है ना स्कूल है ना यहाँ पे ना नाला, इसका भी निकास बराबर से नहीं है, हम यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए बहुत मेहनत करेंगे, यहाँ उनके लिए जितनी सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं हम करेंगे, वार्ड से लेके शहरीकरण जहाँ जितना मेहनत होगी हम करेंगे। अभी यहाँ पे आमदार राष्ट्रवादी के और राष्ट्रवादी के नगर सेविका है नाजिया जी, तो मतलब आपके उनके क्या तालमेल है? राष्ट्रवादी की नगर सेविका यहाँ ऐसा हुआ इनके लिए तो ये एक जैकपॉट हो गया था, हमारी नगर सेविका की जो उम्मीदवार थी वो किसी कारणवश अचानक वो रिट्रीट हो गई, वो नहीं लड़ी, इनके लिए लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, नादिया जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, नादिया जी को जो सहयोग कर रहे हैं उनको कोई जानकारी नहीं, समझने में ही इनके पूरा वक्त चला गया, लोगों की समस्या वैसी की वैसी रह गई। लगता है आपने 5 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया सर, यहाँ कोई विकास नाम की चीज ही नहीं रही, अगर कांग्रेस आती तो कुछ होता, यहाँ के लोगों ने कुछ यहाँ कुछ फायदा नहीं मिला नगर सेवक से, लोगों को कुछ कोई काम नहीं हो सका लोगों का, जब यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं तो लोगों को कहाँ भागना पड़ता है, हॉस्पिटल की वजह से कहाँ दौड़ करना पड़ता है? हॉस्पिटल यहाँ हम लोग गोंडी वेस्ट में है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल शताब्दी हॉस्पिटल गोंडी ईस्ट में, गोंडी वेस्ट की जनसंख्या 5 से 7 लाख की है और ज्यादा होगी, यहाँ स्लम धरावी के बाद दूसरा स्लम है हमारा, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है हॉस्पिटल की, हम कोशिश करेंगे यहाँ हॉस्पिटल लाया जाए।